सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाड़ा डेली पंजाब न्यूज़ दे विच। दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर, मूसेवाले दे कतल तो बाद अचानक भगवंत मान ने ले लिया यह वड्डा फैसला। दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर आ, सो खबर नूं शुरू तो लेके आखिर तक जरूर देख लेना, तुहानूं पूरी खबर बारे पता चल जाएगा। उस तो पहला दोस्तों एक छोटी जिही बेनती है, साडी वीडियो नूं लाइक शेयर अते चैनल नूं सबसक्राइब करना भी ना भुलना। मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले के कतल तो बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार बैकफुट पर आ गई है। सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा घट करन के मुद्दे उत्ते विरोधी धिर पंजाब सरकार को घेर रही है। भगवंत मान की सरकार विरोधियों के निशाने उत्ते नज़र आ रही है। दस दें कि इस दे नाल ही हुण बजट सैशन संबंधी होने वाली कैबिनेट मीटिंग भी रद्द कर दी गई है। इस तों इलावा विधानसभा विच होण वाली विधायकों की ट्रेनिंग सैशन नूं भी फिलहाल मुलतवी कर दिता गया है। पंजाब विच नवी सरकार बन तो बाद VIP लोगों की सुरक्षा विच कटौती की जा रही है। शनिवार को जानकारी मिली सी कि सिद्धू मूसेवाल समेत 424 लोगों की सुरक्षा घट की गई है। इस घटना के एक दिन बाद ही सिद्धू मूसेवाल का कतल हो जाता है। पंजाब के मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे उत्ते भगवंत मान की सरकार उत्ते हमले कर रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग दावा कर रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाल की मौत सुरक्षा की कटौती कारण हुई है। दस दिए कि राजा वड़िंग ने सिद्धू मूसेवाल के कतल को सियासी साजिश करार दिता है। दस दिए कि पिछले कुछ दिन तो आम आदमी पार्टी की सरकार वालों लगातार विरोधी धिर के निशाने उत्ते बनी हुई है। इस तो पहला भगवंत मान ने अपने सेहत मंत्री विजय सिंगला भ्रिष्टाचार के दोषों चो बरखास्त कर दिता सी। इन्ना ही नहीं, हाल ही विच वापरियां इन्हां दो वड्डियां घटनावां दा असर अगले महीने संगरूर लोकसभा सीट उत्ते होण वालियां उपचुनावां उत्ते वेख्या जा सकता है।